नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, रविवार को गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा, गोरखपुर महोत्सव में शामिल होंगे देश के जाने माने कलाकार। जिलाधिकारी ने गीडा के उद्यमियों के साथ की बैठक, कहा जल्द दूर होगी समस्या। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों की कमिश्नर ने की समीक्षा। इंद्रधनुष संस्थान द्वारा लगाई गई हस्तशिल्प नूतन वर्ष शुभकामना संदेश पत्र प्रदर्शनी। बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर प्रेरकों ने निकाला जुलूस, किया प्रदर्शन। गोरखपुर ईंट निर्माता समिति ने किया स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर में हुआ मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की हुई बैठक, प्रदेश सरकार से मिलकर अपनी समस्या बताने की बनाई गई रणनीति। नव निर्वाचित महापौर सीताराम जायसवाल का राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यवसायियों ने किया सम्मान। महापौर ने कहा, सर्वोपरि रहेगा व्यवसायियों का हित। हिंदू चेतना मंच ने लहराया 121 फुट का तिरंगा। और जिला क्रिकेट लीग में अक्की स्पोर्ट्स क्लब ने कमला क्रिकेट क्लब को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को आएंगे। वे अपराह्न 1:35 सिद्धार्थनगर से प्रस्थान करके 2:05 जनपद में आएंगे। 2:15 से 5 तक का समय आरक्षित है। उसके उपरांत 5:30 से 6 तक गोरखनाथ मंदिर में बैठक करने के पश्चात रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। 1 जनवरी को मुख्यमंत्री 11:40 जनपद महाराजगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां 12:00 से 1:00 तक ग्राम चंदन चाफी बरहवा गांव में वन टांगिया गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने पर इन गांवों में जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के उपरांत 2:15 लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। गोरखपुर महोत्सव को लेकर शनिवार को कमिश्नर अनिल कुमार ने आयुक्त सभागार में एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें कमिश्नर ने 11 से 13 जनवरी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में होने वाले गोरखपुर महोत्सव के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि महोत्सव में जाने माने कलाकार शिरकत कर रहे हैं, जिससे विख्यात संगीतकार ललित पंडित, गायक शान, भूमि द्विवेदी, अनुराधा पौंडवाल सहित 61 स्कूलों के 600 छात्रों के अलावा नामी ग्रामी कलाकार अपनी प्रस्तुति से लोगों का मनोरंजन करेंगे। कमिश्नर ने बताया कि ललित पंडित व शानू ने महोत्सव में शामिल होने की अपनी संस्तुति दे दी है। कमिश्नर ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव के आयोजन से पर्यटन गतिविधियों में तीव्रता आएगी तथा देशी विदेश पर्यटकों, पूंजी निवेश व रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधिकारी राजीव रौतेला, DIG नीलंजा चौधरी, SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज भी मौजूद रहे। आप सभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि 11 जनवरी से 13 जनवरी 2018 के बीच में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इसका शुभारंभ 11 तारीख को गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा किया जाएगा। ये कार्यक्रम 12:00 से होगा और समापन जो है वो स्मृति भवन गोरखनाथ मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 13 तारीख को 2:00 से इसका होगा। इस कार्यक्रम में सुबह से हमारे विभिन्न तरह के कार्यक्रम होंगे। हमारे बच्चों के भी स्कूलों के कार्यक्रम हैं, इसमें हमारी साइंस एग्जीबिशन है, योगा का एक इवेंट है, पेंटिंग कंपटीशन है, डिबेट है, एस्से राइटिंग है, सिंगिंग एंड डांस का कंपटीशन है। इस तरह स्कूलों के भी कई कार्यक्रम रहेंगे हमारे और स्पोर्ट्स के भी इवेंट हैं हमारे और स्पोर्ट्स में हमारे रेसलिंग है,
वॉलीबॉल है, कुश्ती है, हाफ मैराथन का कार्यक्रम है हमारा, एक शूटिंग कंपटीशन भी इसका हम लोग यूपी राइफल एसोसिएशन की तरफ से आयोजन कर रहे हैं, पैरा मोटरिंग का इवेंट है और बैलूनिंग का भी कार्यक्रम इस दौरान हम लोग कराएंगे। सायंकाल जो है वो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 11 तारीख को जो महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा जब उद्घाटन किया जाएगा तो सुश्री ममता शंकर जी का के द्वारा एक प्रस्तुति की जाएगी और उसके अलावा बच्चों का कार्यक्रम है और सायंकाल जो है वो शंकर महादेवन जी का कार्यक्रम है। उससे पहले जो हमारा सबरंग करके कार्यक्रम जिसमें स्थानीय कलाकारों को के द्वारा प्रस्तुति की जाएगी, इसके अलावा श्री सुरभि सिंह के द्वारा भी कथक डांस का एक कार्यक्रम है। 12 तारीख को भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है और 12 तारीख को NCHSC के द्वारा कार्यक्रम का प्रस्तुति की जाएगी। उसके बाद ये लोक रंग कार्यक्रम है स्थानीय कलाकारों का, किसी का बताओ लोक रंग कार्यक्रम है स्थानीय कलाकारों के द्वारा और फिर रात्रि में 8 बजे से सोन चढ़ैया संस्था के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। और अभी हमें सहमति मिल गई है तो उसके बाद रवि किशन जी के द्वारा भी कार्यक्रम किया जाएगा, अभी मौखिक सहमति हुई राइटिंग में भी आ जाएगी। और 13 तारीख को रात्रि में सबरंग कार्यक्रम फिर स्थानीय कलाकारों के द्वारा किया जाएगा और फिर 7 बजे से बॉलीवुड के कलाकार हैं श्री ललित पंडित जी, शान, भूमि त्रिवेदी, मिसेज अनुराधा कॉडवा और आर्टिस्ट जिमी मोसेस के द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा। जो हमारे समापन कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या का भी कार्यक्रम है जिसमें अनूप जलोटा जी, अनुराधा कॉडवा जी के भजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। तो मेनली ये कार्यक्रम है हमारा, लोगो भी फाइनल हो गया है, वो आपके सामने है और हम लोग आपको सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करा देंगे, हार्ड कॉपी आपको जो पैड दिया गया उसमें है। थीम भी हमारी अंतिम हो गई है, थीम सॉन्ग भी अंतिम हो गया, बैकड्रॉप भी आपके सामने है, आप पीछे लगा हुआ है। तो ये हम मेनली कार्यक्रम की रिपोर्ट। सर, वो दोपहर में बुकिंग है, इसमें समय दिया हुआ है। नहीं देखिए, उसमें नहीं, इसमें देखिए मैम जी जो टिकट क्या उपाय किए गए हैं पब्लिक के लिए, मतलब आप महोत्सव के संबंध में दर्शन करना है आप सबसे भी मिलना है। गोरखपुर, सीएसओ,
ये इवेंट जो है हमारा 11-12 को मेनली है, लेकिन कुछ जो है बिल्डिंग इवेंट जो है वो हम 10 साल में भी करेंगे। और माननीय खेल मंत्री जी से मेरे अनुरोध किया है तो वो उसके शुभारंभ 11 तारीख को उन्होंने सहमत किया। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक में गीडा के उद्यमियों के समस्याओं का निराकरण न होने पर कहा कि जनवरी माह के तृतीय सप्ताह में समाधान दिवसों की तरह गीडा में भी उद्योग समाधान दिवस लगाकर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण की कार्यवाही की जाए तथा उद्यमियों को एक ऐसा माहौल दिया जाए कि जनपद में अधिक से अधिक लोग अपने उद्योग लगाएं। जिलाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्र गीडा में स्ट्रीट लाइट न जलने, नालियों की सफाई, औद्योगिक क्षेत्र संतोष नगर में सड़क के किनारे अवैध निर्माण हटवाने, इंडस्ट्रियल एरिया में कूड़ा गिराने, उद्यमियों के ब्याज की छूट की समस्या, गीडा में आंतरिक सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाने, औद्योगिक प्लांट की रजिस्ट्री कराने में लगे बैंक गारंटी वापस करने के संबंध में विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। 11 से 13 जनवरी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक आज आयुक्त सभागार में कमिश्नर अनिल कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महोत्सव को प्रस्तुत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में महोत्सव में लगने वाले स्टॉल, कार्यक्रम स्थल, मंच व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न संस्थाओं को दी गई जिम्मेदारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा कि महोत्सव में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी को जिस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है उसका भली भांति से निर्वहन करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, हाँ तो उनको दे देंगे, उसमें 20-50 सीईओ में दे देंगे, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात। स्टॉल तो सर मैक्सिमम वही सर, अगर किसानों के द्वारा कुछ अच्छा अपना प्रदर्शन किया जाता है तो उनको भी हम सर्टिफिकेट दे देंगे। उसका आउटस्टॉक छपा लेना, एक हमारा एजेंसी नामित हो जाएगी अभी, तो उसका पैटर्न हम तय कर देंगे बैकग्राउंड का, बाकी मैटर जो है वो खुद छपा के ऑर्डर प्लेस कर देना ताकि हमें उसके लिए दिक्कत ना हो। कृषि प्रदर्शनी के बारे में बात हुई गई है और अच्छा अब उसकी क्या हुआ हॉर्टिकल्चर फल सब्जी रहेगी। आपको कितना बड़ा एरिया चाहिए? हमको तो 9x18 18 तो कम नहीं होगा या 36x, मतलब मैं तो ये करूँगा कि आप 18x9 के को डबल कर लीजिए आप भाई। आपका हम चाहते हैं अच्छा कार्यक्रम हो, आप अपना एकदम नहीं अच्छा क्या 18x9 कितना अब इसमें सर जैसे फ्लावर की वेजिटेबल फ्लावर्स में स्पाइसेस किस तरह सर फूड फूड प्रोसेसिंग की किस तरह तो इसमें अच्छा करिएगा, इसका मतलब ये गेटअप अच्छा आना चाहिए सर। ऐसे एनिमल हस्बेंड्री से आए तो सर स्टैंड भी चाहिए होंगे वो डिस्प्ले करने के लिए। क्या स्टैंड सर? स्टैंड और ट्रेस टाइप के या टेबल्स टाइप के चाहिए होंगे सर, फ्लैट टाइप के सर, इनसे सर क्या बात हो सर? राजभवन वाले सर देखते हैं जैसे फ्लावर की स्पाइक रखनी है थोड़ा पानी के लिए टाइप का रहता है स्टैंड रहता है एक बार में मुझे रेफरेंस में दिखा देंगे दिखा भाई देन देयर इज अ कॉस्ट आल्सो इन इट मतलब आप ये भी समझिए अगर आप मंगा सकते तो मंगा लीजिए क्यों हमें मतलब आपका डिपार्टमेंट बाकी फल को रखने के लिए ट्रे तो हम कर लेंगे टेबल दे देंगे आपको टेंटेस दे देंगे लेकिन आप वो स्पेशल कुछ मंगाए तो दिल्ली से मंगाएंगे देन दे देंगे ठीक है। फ्रूट्स तो सब छपाएंगे
इंद्रधनुष संस्थान द्वारा शनिवार को चेतना तिराहा पर हस्तशिल्प नूतन वर्ष शुभकामना संदेश पत्र प्रदर्शनी लगाया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन समाज सेवी विजय खेमका द्वारा किया गया। आपको बताते चलें कि संस्थान प्रदर्शनी द्वारा की गई कमाई की रकम से वस्त्र खरीदकर अनाथ और असहाय लोगों के बीच वितरित करती है। प्रदर्शनी में आए लोगों ने भी इस कार्य की सराहना की और हस्तशिल्प नूतन वर्ष के शुभकामना संदेश पत्र खरीदारी की। इस अवसर पर अमन रौनियार, चंदन सिंह, सुषमा, नेहा, वंदना, प्रिया सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिखर त्रिपाठी ने बताया कि गरीबों और असहायों के छोटी सी छोटी खुशी में लाखों दुआएं छिपी होती हैं। यहां से एकत्र राशि को गरीबों के बीच वस्त्र के रूप में वितरित किया जाएगा। ये गोरखपुर के उभरते हुए कलाकारों का एक संगठन है इंद्रधनुष, जिसके माध्यम से हम लोग अलग अलग समय पर और शुभ अवसरों पर हैंडमेड कार्ड और पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर, इनको बना करके इनकी बिक्री करते हैं और उससे होने वाली संपूर्ण आय से कपड़े खरीद करके गरीब बच्चों में, अनाथ बच्चों में बांट दिए जाते हैं और उनकी मदद की जाती है, ऐसा संभव जितना हम लोगों से हो सकता है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि चेतना त्राय पर ये स्टॉल लगाए, कार्ड को खरीद करके हमारी और बच्चों की मदद करें। ये सिलसिला विगत 3 वर्षों से चला आ रहा है। हम लोग अलग अलग गोरखपुर में जगहों पर स्टॉल लगाते हैं, सेल करते हैं और जो इनकम होती है उसे चैरिटी में देते हैं। बकाया मानदेय भुगतान तथा प्रेरकों की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रेरक समन्वयकों ने एक जुलूस निकाला और नगर निगम पहुंचकर एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता आदर्श साक्षरता कर्मी वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे ने किया। प्रदर्शन कर रहे प्रेरकों का कहना था कि केंद्र एवं प्रदेश में बीजेपी सरकार होने के बाद भी प्रेरकों और समन्वयकों का शोषण किया जा रहा है। भाजपा ने ये वादा किया था कि सरकार बनने पर संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन सरकार ने नियमितीकरण तो दूर प्रेरकों के 18 महीनों से ज़्यादा बकाया मानदेय का भुगतान भी नहीं किया, जो चिंता का विषय है। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे ने कहा कि मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण प्रेरक भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि प्रेरकों के बकाया मानदेय का भुगतान करते हुए इनकी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। शिक्षा प्रेरक हैं और 31 दिसंबर 2017 को हम लोगों की संविदा समाप्त करने की शासन ने घोषणा कर दी है, जो हमें किसी भी कीमत पे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारी संविदा स्थायी की जाए और समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए। हम भी सम्मानजनक तरीके से जीना चाहते हैं और अगर हमको हमारी संविदा नहीं बढ़ाई जाएगी तो इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा और हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। कितने दिनों से मानदेय? 22 महीने से हम लोग का मानदेय बकाया है। गोरखपुर की बात करें, अन्य जनपद की बात करें तो 34 से 40-45 महीने तक का मानदेय नहीं मिला है और समस्त प्रेरक हमारे BCDC साथी, समस्त साक्षरता कर्मी आज भुखमरी की कगार पर खड़े हो गए हैं। गोरखपुर ईंट निर्माता समिति द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन शनिवार को सुमेर सागर स्थित समिति भवन में किया गया। इस मौके पर समिति के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, कोषाध्यक्ष अर्जुन कलानी, राजेश सहानी, मोहम्मद यूनुस, शेषनाथ त्रिपाठी सहित समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। पखवाड़े के दौरान वक्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ बनाना हम सब की भी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसका बखूबी पालन करना चाहिए। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर आगामी दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की योजना बनाई।
जिस तरह से रियो खनन क्षेत्र में सबसे खराब स्थिति में है, आज शोषण शुरू होता है। सम्मानित माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की शान रहे हैं। पार्लियामेंट में बोला करते थे कि उत्तर प्रदेश के ईंट निर्माता स्वामियों को कभी आंच नहीं आने देगी। आज लाखों लाख रुपया हम लोग रॉयल्टी के रूप में जमा किए हुए हैं, खनन करने के लिए कई किए हुए हैं। भारत सरकार की जो भी बाध्यताएं हैं उन सारी बाध्यताओं को पूरा करते हुए भी हम लोग अपने काम करने के लिए मजबूर हैं। दिग्विजयनाथ प्रस्नातक कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर के तहत शनिवार को मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन कॉलेज के प्रांगण में किया गया। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय सेवा योजना के मीराबाई और गोरखनाथ इकाई की लगभग 3 दर्जन से ज्यादा स्वयंसेविकाओं ने प्रतिभाग कर अपने कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर निर्णायक मंडल में चंदा सिंह, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कमलेश मौर्य सहित कई शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहे। आपको बताते चले कि सप्त दिवसीय विशेष शिविर का समापन रविवार को होगा। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों की घोषणा करते हुए कार्यक्रम अधिकारी ने कहा, प्रतियोगिता ये राष्ट्रीय सेवा योजना का आज 6वां दिन है और 6ठे दिन इन स्वयं सेविकाओं को टैलेंट की पहचान के लिए हम लोग विभिन्न प्रतियोगिताएं कराते हैं। तो चूँकि यह छात्राएं हैं इसलिए इनके बीच एक मेरिट कंपटीशन आयोजित किया गया है, जिसमें 30 से अधिक स्वयं सेविकाओं ने भाग लिया है। और इसमें मैं बता रहा हूं आपको कि मैडम आई थी श्री चंदा सिंह, आज की जज रही हैं, और उन्होंने 4 प्लेयर्स को चुना है, जिसमें आंचल सिंह, इन्होंने मेहंदी लगाया आंचल कुमारी को, यह प्रथम स्थान पर रही। अनामिका सिंह, इन्होंने मेहंदी लगाई चांदनी पांडे को, यह दूसरे स्थान पर रही। विभा, इन्होंने मेहंदी लगाई जयप्रिया जायसवाल को, यह तीसरे स्थान पर रही। और सांत्वना के रूप में सुधा वर्मा, इन्होंने मेहंदी लगाई नंदिनी कुमारी को, यह 4थे स्थान पर रही। बच्चियां पुरस्कृत भी की जाएंगी? हाँ, ये बच्चियां पुरस्कृत की जाएंगी। इसके लिए इनको एक पुरस्कार भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इनको जैसे भी हो सकता है हम इनके मनोबल को ऊंचा से ऊंचा करने का प्रयास करते हैं इस राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक शनिवार को पेडलेगंज स्थित संगठन के भवन में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जा रहे कार्यों में आ रही बाधा को दूर किए जाने, ग्राम प्रधानों के अनावश्यक उत्पीड़न पर रोक लगाने, मनरेगा में समय से धन की उपलब्धता कराए जाने, प्रधानों का मानदेय बढ़ाने जाने सहित कुल 11 सूत्रीय मांग पर चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान संगठन के प्रदेश महासचिव कृष्ण चंद्र वर्मा, मंडलीय अध्यक्ष छोटे लाल पासवान, जिला अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, जिला प्रवक्ता विवेक सिंह, मीडिया प्रभारी रविंद्र नाथ दुबे सहित संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के प्रदेश महासचिव ने कहा कि वो अपनी मांग को लेकर जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। सरकार बनी, आदरणीय प्रहलाद सिंह जी, छोटेलाल पासवान जी या प्रदेश के और भी पदाधिकारी जैसे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, ललित शर्मा जी, आपके ब्लॉक अध्यक्ष बढ़लगंज जी, आप भी प्रतिनिधि मंडल में मुख्यमंत्री जी से मिले थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग संगठन में 200 साल से हैं। जो भी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे हैं, चाहे मायावती जी रहें, मुलायम सिंह जी रहे, अखिलेश जी रहे, बार बार हम लोग प्रयास करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री से प्रतिनिधि मंडल प्रधान संगठन को मिलने का सौभाग्य नहीं प्राप्त। ये बैठक राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन जिला इकाई की बैठक है, जो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा
विकास कार्य किए जाते हैं और संविधान में जो संशोधन हुआ है 73वां संशोधन कि पंचायतों को सत्ता की भागीदारी देकर पंचायतों के नियंत्रण में 29 विभाग देकर पंचायतों को स्वशासन की इकाई बनाई जाए जिससे स्थानीय स्तर पर जनहित में पंचायतें अधिकार संपन्न होकर के स्थानीय स्तर की सारी समस्याओं का समाधान करें वो अधिकार पंचायतों को दिलाने के लिए पंचायतों के द्वारा जो विकास आज क्या रणनीति बनाई गई है आप लोग आज की रणनीति है कि हम अपनी रणनीति यहाँ तय करेंगे और 2 तारीख को डायरेक्टर पंचायत राज और प्रमुख सचिव पंचायत राज से मिलना है हम लोग का टाइम संगठन के द्वारा मिला है हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं 23 तारीख को मिलकर के ज्ञापन दिया और ज्ञापन पंचायत राज के डायरेक्टर को रेफर हुआ है और प्रमुख सचिव पंचायत राज इसकी बैठक लेंगे ये रणनीति तय करके हम लोग उनसे व्यक्तिगत उस ज्ञापन के 12 बिंदु दिए गए हैं उस पर वार्ता करेंगे और उस वार्ता के बाद फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और पंचायतों को अधिकार संपन्न कराएंगे और पंचायतों के द्वारा जो विकास कार्य हो रहे हैं उस विकास कार्य को हम लोग गति पहुँचाएंगे जो नव निर्वाचित महापौर सीताराम जायसवाल का अभिनंदन एवं स्वागत समारोह गोरखपुर के राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के तत्वावधान में राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यवसायियों ने वहीं पर स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल के अलावा राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव कोषाध्यक्ष सूरज नाथ गुप्ता उपाध्यक्ष पृथ्वीनाथ गुप्ता मनीष बर्नवाल अमित अग्रवाल एकता वर्मा मणिनाथ गुप्ता आनंद त्रिपाठी दयाशंकर गुप्ता कुंदन अजय लव सिंह प्रदीप गुप्ता बबलू गुप्ता सहित भारी संख्या में व्यापारीगण मौजूद थे। अभिनंदन समारोह का शुरुआत महापौर को माल्यार्पण कर किया गया। सभी ने बारी बारी से महापौर का माल्यार्पण किया और उनको बधाई दी और महापौर सीताराम जायसवाल ने भी अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए सभी के अभिवादन और माल्यार्पण को बड़ी धैर्य के साथ स्वीकार किया। यहाँ पर हम धैर्य इसलिए कह रहे हैं कि हर व्यवसायी जो राप्ती कॉम्प्लेक्स से संबंधित है सभी महापौर के स्वागत के लिए उत्सुक दिखा। यश अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि योगी सरकार की प्राथमिकता है कि गोरखपुर को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाया जाए लेकिन उसके लिए लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा यानी अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। कार्यक्रम का समापन के दौरान महापौर को स्मृति चिन्ह एवं अंतरी भेंट किया गया। कोषाध्यक्ष सूर्यनाथ गुप्ता जी ताली बजाते रहिए। रमाशंकर गुप्ता जी तालियां तालियां। प्रदीप गुप्ता जी अग्रवाल जी भाई सुनील गुप्ता जी विनोद कुमार वर्मा जी विनोद जी सूरज प्रसाद ये सेल्फी एक्सपर्ट मिल जाएगा पृथ्वी केशव वर्मा जी जितेंद्र वर्मा जी गोलू यादव अजय कुमार रतेश गुप्ता प्रभु जी ये इनके इनका विषय ज्योतिषविद भी आप अच्छे हैं अशोक जी आनंद कुमार त्रिपाठी गप्पू क्योंकि अब शब्द भी याद आ गया पुष्प पूछनाथ में दे दीजिए अंतरी जो है उसका कहा जाता है अंतरी आपकी तरफ से दबाया जाएगा जी फोटो खींच तालियां बजाइए भाई मनीष बर्मा को तालियां बजाइए भाई बबलू जी आइए
लोग। नहीं नहीं यार, अरे बहुत एनर्जेटिक है, आप ऐसा बात मत करिए। सम्मानित तो सम्मानित समारोह हो रहा है आपका, बहुत कायदे से पेशेंसली कर। आइए आइए सरदार जी, अरे हम लोग जब मोदी जी आ गए थे तो ग्रुपिंग फोटो हुआ और फिर एक एक करके फोटो हुआ, तो उसी का मैं पालन करूंगा। जा रहे हैं, हर वार्डों में तीन तीन गाड़ियां लगेगी और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सफाई होगी। मेन सड़कों की सफाई रात में भी होगी और दिन में भी होगी। अभी वाला रोड देखा होगा, आरटीओ रोड देखा होगा, बक्सीपुर देखा होगा, इधर भी हो रहा है। करीब 500 कर्मचारी लगे हैं और रात में भी हमारा सफाई अभियान चल रहा है। मैं कल स्टेशन क्षेत्र का मुआयना करने के लिए अपने सभी अधिकारियों को अचानक बुलाया था और मैंने वहाँ देखा कि जितनी नालियाँ हैं वो इनक्रोच कर ली गई है और सफाई कर्मचारी जाता है तो लोग उसमें सफाई नहीं करने देते हैं। दुकानें लगी होती है, आगे गाड़ियां लगी होती है, तो एक समस्या है। और आप चाहते हैं कि हमारा नगर साफ सुथरा हो, स्मार्ट हो, तो नागरिकों को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। सभी यहाँ सम्मानित हमारे व्यापारी बंधु बने बैठे हैं, आपने एक व्यापारी प्रतिनिधि को दायित्व तो दिया है शहर को साफ सुथरा करने का, तो मैं चाहूंगा कि इसमें आपका पूरा पूरा सहयोग भी हमारे साथ रहे। मैं सबको लगभग जानता हूं तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस सब स्मार्ट सिटी बनने में अपना आप जरूर सहयोग दोगे, मेरा पूरा विश्वास है। आप लोगों को जगह मिलेगा और आपके विरुद्ध कानून बनेगा तो आप बनने नहीं देंगे। और आप जब चुनाव होता है तो घरों में बैठ करके पिकनिक मनाते हैं, सड़कों पर आइए, अपने व्यापारी समाज का कोई भी खड़ा होता है, हारता है जीतता है, व्यापारी है तो उसका समर्थन करिए। न जाति का धर्म, न पाति का धर्म, न संप्रदाय का धर्म, व्यापारी मतलब व्यापारी, तो उसका समर्थन करेंगे तो आपके खिलाफ कानून नहीं बनेगा। 30 दिसंबर वर्ष 1943 यानी आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार तिरंगा लहराते हुए भारत को आज़ाद घोषित किया था। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच द्वारा शनिवार को पेडलेगंज चौराहे से स्कूली बच्चों और मंच के सदस्यों द्वारा 121 फुट लंबा तिरंगा लहराया गया। इसके पूर्व मंच के सदस्यों द्वारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सीताराम जायसवाल ने पेडलेगंज चौराहा स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संस्थान के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर मंच के संरक्षक हरिनारायण, डॉक्टर सुरेंद्र, रघुवंश हिंदू, सुमन हिंदू, आशीष हिंदू, बलिराम हिंदू सहित मंच के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। दिसंबर को ही हो चुका था, यही बता रहे हिंदू चेतना मंच के माध्यम से। जानने की कुर्बानी दे दी, वीर भगत सिंह आदिगुरु सुखदेव बलिदानी दे, भारत की संस्कृति भूमि को तृप्त कर दे। Yeah!
हिंदुस्तान की आजादी को। समस्त जनों को संक्षेप में अवगत कराने का कष्ट करें। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, ये बच्चों को पढ़ाया जाता था। आज सुभाष चंद्र बसु जन्म शताब्दी के अवसर पर हमारे सरहद के सभी गणमान्य नागरिक, हमारी बहनें बेटियां तिरंगे को लेकर सड़कों पर निकल रही है। किसी भी राष्ट्र का एक प्रतीक चिन्ह होता है। हमारे देश के नेताओं ने राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा को संविधान में सबसे श्रेष्ठ दर्जा दिलाया है। तिरंगे को लेकर ये विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा रहे ऊंचा हमारा को लेकर महानगर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में जिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को अक्की क्रिकेट क्लब और कमला क्रिकेट क्लब देवरिया के बीच मैच खेला गया, जिसमें कमला क्रिकेट ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित ओवरों में 136 रन बनाए, जिसे अक्की स्पोर्ट्स ने बड़ी ही आसानी से मात्र 2 विकेट गंवाते हुए हासिल कर लिया। इस तरह इस लीग मैच में अक्की क्रिकेट ने 8 विकेटों से कमला क्रिकेट क्लब को हरा दिया। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। रविवार को गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा, गोरखपुर महोत्सव में शामिल होंगे देश के जाने माने कलाकार। जिलाधिकारी ने गीडा के उद्यमियों के साथ की बैठक, कहा जल्द दूर होगी समस्या। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों की कमिश्नर ने की समीक्षा। इंद्रधनुष संस्थान द्वारा लगाई गई हस्तशिल्प नूतन वर्ष शुभकामना संदेश पत्र प्रदर्शनी। बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर प्रेरकों ने निकाला जुलूस, किया प्रदर्शन। गोरखपुर ईंट निर्माता समिति ने किया स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर में हुआ मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की हुई बैठक, प्रदेश सरकार से मिलकर अपनी समस्या बताने की बनाई गई रणनीति। नव निर्वाचित महापौर सीताराम जायसवाल का राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यवसायियों ने किया सम्मान, महापौर ने कहा सर्वोपरि रहेगा व्यवसायियों का हित। हिंदू चेतना मंच ने लहराया 121 फुट का तिरंगा। और जिला क्रिकेट लीग में अक्की स्पोर्ट्स क्लब ने कमला क्रिकेट क्लब को 8 विकेट से हराया। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।